हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मित्रों से आपके कैसे संबंध रहेंगे, किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके महिला मित्रों से सुख मिलेगा या महिला मित्रों से तनाव हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सरकार में नौकरी मिलेगी या प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करेंगे, भूमि खरीदेंगे या माइंस के फील्ड में काम करेंगे, या पेट्रोलियम में आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा या राजनीति के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके घर में शहनाई बजेगी या किलकारी गूंजेगी, वाहन खरीदेंगे या भूमि खरीदेंगे, सब आज हम आपको बताएंगे। राजनीति में आज आपको क्या सफलता मिलेगी, इस पर भी आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी ये भी बताएंगे, उपाय क्या करना है ये भी बताएंगे। आपके लिए कौन सा अंक सूट करेगा, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रंग शुभ रहेगा, किस फील्ड में बड़ी सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, कंस्ट्रक्शन, अगर इस किसी भी फील्ड में अगर आप एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं खरीदना। अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसमें आज आपको नुकसान हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, तो लिटिगेशन वगैरह से बचना है। अगर किसी भी कार्य में लगे हुए अगर आपने अपनी गोपनीयता भंग कर दी तो आपका काम होते होते रह जाएगा। यदि आप किसी कार्य के निमित्त घर से निकलते हैं या कार्य करना चाहते हैं तो प्रथम सलाह अपने पापा से लें, पिताजी से लें। अगर वो मना करते तो उस कार्य को करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी अगर निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की विवादित भूमि या विवादित चीजों में हाथ नहीं लगाना, नहीं तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। सरकार से लाभ मिलेगा, यदि आप सेना में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, तो आज आपको ले प्रमोशन का समय, नौकरी का समय, स्थानांतरण होकर के कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित कार्य संपन्न होगा। घर में नए तरह के मेहमान के आगमन की भी संभावना बन रही है। माली हालत आपकी अच्छी होगी। यदि प्रॉपर्टी को लेके, रियल इस्टेट को लेके किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। भाइयों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है निष्प्रिय भाव से करेंगे, जो भी आप कर्तव्य अपना करेंगे किसी चीज से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे। इनकम, आय और व्यय पर आज आप सामंजस्य स्थापित करें, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ने से आपकी माली हालत खराब हो सकती है। बच्चों से थोड़ी सी वैचारिक मतभेद हो सकता है, पत्नी से भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, पत्नी की सेहत को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है, तो पत्नी की सेहत को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। नए तरह के किसी कार्यों में हाथ न डाले, उससे बचना है। अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज आपको सावधानी की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको कवच किलक अर्गला का पाठ करना है, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आपको लाल वस्तु का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्ण।